शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं, जो कि 18 सितंबर दिन सोमवार को है, हरतालिका तीज के व्रत की पूजा की सामग्री इन 16 चीजों की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं वह कौन सी सामग्री है। हरतालिका तीज पूजा में गीली मिट्टी, बेलपत्र, केले का पत्ता, पान, फूल, फल, बताशे इत्यादि समेत कई सामग्रियों की जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज पूजा की सामग्री की लिस्ट। संपूर्ण जानकारी के साथ, हरतालिका तीज का व्रत इस साल 18 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत को किया जाता है। पहली बार माता पार्वती ने इस व्रत को किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और इस दिन पूजा में कई सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। आइए जान लेते हैं कौन सी। शिव पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गीली काली मिट्टी, बेलपत्र, पताशे, मेवा, कपूर, कुमकुम, केले का पत्ता, पान, फूल, फल, प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी का पटा, पीला कपड़ा, पूजा के लिए नारियल, माता के लिए चुनरी। हरतालिका तीज दान की सामग्री, मेहंदी, बिंदी, कुमकुम, चूड़ी, बिछिया, काजल, श्रीफल, कलश, अबीर, सिंदूर, कंघी, माहौर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक। इसी के साथ में पूजा की विधि भी हम जान लेते हैं। हरतालिका तीज वाले दिन सबसे पहले काली गीली मिट्टी के माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा आप तैयार कर लें, फिर उसे फूलों से सजाएं। अब इन प्रतिमाओं को सूखने के लिए रख दें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पूजा की तैयारी करें। अब बनाई गई तीनों प्रतिमाओं को पीले कपड़े पर आप स्थापित करें। चौकी की दाई तरफ चावल से अष्टकमल तैयार करें और उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी डाल दें। मूर्तियों की विधि विधान से पूजन करें, उनका अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को उनके वस्त्र आदि समर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में भगवान शिव की आरती करें, भोग लगाएं। पूजा के बाद माता पार्वती को लगाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में अवश्य लगाएं और पति के चरण स्पर्श करें। यदि मित्रों आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हरतालिका तीज की यह संपूर्ण सामग्री की लिस्ट और पूजन की विधि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।